हेलो फ्रेंड्स एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज का जो हमारा क्लास है दैट इज़ द क्लास नंबर 3 ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो गाइज जो क्लास नंबर 2 था जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, उसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में जो कोवैलेंट बॉन्ड के जो टाइप होते हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में जो सिग्मा जो बॉन्ड होता है उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में उसका डिस्कशन किया है। तो जो बच्चे अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप VVT का जो लेक्चर नंबर 02 है आप उसको प्लीज देखें। ओके, तो गाइज आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द लेक्चर नंबर 5 ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड एंड लेक्चर नंबर 3 ऑफ द VVT, जो स्पेसिफिकली हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड का जो अनदर टाइप है दैट इज द पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो गाइस हम लोग ने देखा था कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो उसमें स्पेसिफिकली क्या होता है, जो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन होता है हेड ऑन ओवर लैपिंग। क्लियर है? जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि भाई जो एस और एस ऑर्बिटल के बीच में बनता है, फिर देन एस और पी के बीच में बनता है, और देन पी और पी ऑर्बिटल के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है जिसके अंतर्गत क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? तो आई थिंक ये आपका रिकैप था, तो आपको ये सारे चीज़ रिमाइंड हुए होंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं पाई बॉन्ड के बारे में। तो गाइस ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ये पाई बॉन्ड बनता है बाय लैटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर है? तो जो पाई बॉन्ड होता है गाइस उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट है लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। हम लोगों ने देखा था सिग्मा के केस में क्या होता था, सिग्मा बॉन्ड के केस में अगर मैं बातें करूं एस पी का, तो यहाँ पे एस था एंड देन क्या था गाइस, इस तरह से हम लोग ने बनाया था कि भाई यहाँ पे क्या था, अगर ये एक एटम ए है और एक एटम ए है तो ये क्या था, दिस वन इज द न्यूक्लियर जो इंटर न्यूक्लियर जो एक्सिस है, तो अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो ओवरलैपिंग होता था, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता था, उससे क्या बनता था, उससे फॉर्मेशन होता था सिग्मा बॉन्ड का। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई देर विल बी द लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो चलो हम लोग उसको समझते हैं पाई बॉन्ड पे। तो पाई बॉन्ड जनरली अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे पी पी जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड और भी होता है, क्या होता है उसमें होता है पी डी ओवरलैपिंग में भी होता है और डी डी ओवरलैपिंग में भी होता है, कि क्या होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। तो ये जो दोनों पार्ट है वो हम लोग डिटेल्स में लेटर ऑन विल स्टडी इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो क्लियर है? तो अब यहाँ पर चलो हम लोग आ जाते हैं पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो कि अगर ये एक पी ऑर्बिटल है लाइक दैट, और दूसरा जो ये देखो ये है दिस वन वन पी, मान यहाँ पे एक पी ए है और एक पी ए है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे क्या है, अगर ये एक एटम है अब एक एटम ए है, तो ये अलोंग द जो एक्सिस है उसके अलोंग नहीं हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ऊपर में भी हो रहा है और नीचे में भी हो रहा है। क्लियर है? एक्चुअली बुक में दिखाना वो टफ, बुक में दिखाना वो टफ है कि किस तरह से ओवरलैपिंग होगा, तो इसलिए तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैसे, लाइक दैट पैसे बना लो
इस तरह से इसको हम लोग जो ओवरलैपिंग है उसको हम लोग दिखाते हैं, दैट इज कॉल पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है? इससे जो बनता है उसको क्या कहते हैं, पी पाई जो बॉन्डिंग है दैट इज कॉल्ड पी पाई बॉन्डिंग। क्लियर है? तो हम लोग ने देखा था कि जो हेड ऑन ओवरलैपिंग था दैट इज द हेड ऑन ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स। क्लियर है? बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग ना हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। मीन्स ये दोनों, जैसे एक ऑर्बिटल ए है और एक ऑर्बिटल ए है, तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, साइड वाइज मीन्स दोनों का कुछ पार्ट साइड से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है? तो चलो हम लोगों ने तो समझ लिया कि भाई पाई बॉन्ड का मतलब ओवरलैपिंग, तो हम लोग पाई बॉन्ड कैसे बनता है। क्लियर है? अब चलो हम लोग आ जाते हैं कि भाई इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो इसका अगर हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल दें तो हम लोग लेते हैं, एक लेते हैं O2। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने दो एटम ले लिया ऑक्सीजन का, एक ए है अब एक ए है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2 and 2p4। यहाँ पे भी 1s2 2s2 एंड दिस विल बी द 2p4। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ये जो सबसेल है या फुल है, ये फुल है, तो कौन सा सबसेल फुल नहीं है, पी सबसेल फुल नहीं है। मीन्स इसमें जो ऑर्बिटल है वो क्या है, फुल नहीं है। मतलब अगर मैं ऐसे करूँ 1 2 3, यहाँ ए फुल है जो मैक्सिमम कैपेसिटी फुल इन द सेंस कि अब उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखो, अब इसको क्या है, ये है पी एक्स, ये क्या है पी वाई, ये क्या है पी जेड। इस केस में पी एक्स पी वाई एंड दिस वन विल बी द पी जेड। अब यहाँ पे देखो एक एक एक। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम केस है। क्लियर है? आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जब ओवरलैपिंग होगा तो सेम ऑर्बिटल में डिफरेंट स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन है होने चाहिए। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे इसका जो हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल है कौन सा है, एक है पी वाई एंड अनदर इज द पी जेड। यहाँ पे भी यहाँ पे कौन सा है, पी वाई है एंड पी जेड है। क्लियर है? तो अब इसको हम लोग जो ऑर्बिटल जो डायग्राम है उसके थ्रू समझते हैं कि भाई ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है। क्लियर है ना? एक ऑक्सीजन ए है, एक ऑक्सीजन ए है। क्लियर है? तो जनरल ये ऐसा कन्वेंशन माना जाता है, मैंने ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैक्सिमम जो लोग मानकर चलते हैं, जो थंब रूल फॉलो करते हैं कि भाई जो पीजेड है, क्लियर है, जो पीजेड ऑर्बिटल है उसको हम लोग जनरली कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, हम लोग यूटिलाइज करते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग में, मींस फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो अगर ये है तो ठीक है, अब ये देखो ए, तो ए क्या था पी जेड था, अब ये क्या था पी जेड हो गया। क्लियर है? एज पर कर आपके अगर मानना है तो आप इसे पी वाई भी मान सकते हो, इसे भी पी वाई मान सकते हो। तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से फॉर्मेशन हुआ सिग्मा बॉन्ड का, ये तो हो गया हेड ऑन। अब चूंकि हम लोगों ने पी जेड को तो मान लिया, तो पी जेड अगर मैंने ऑन द प्लेन डायरेक्टली अलोंग द एक्सिस माना है, तो अगर इसको हम लोग माना तो पी जे पी वाई जो होगा इसका क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो जो पी वाई है, दिस वन इज द पी वाई एंड हियर विल बी द, क्लियर है, दिस इज ऑल्सो पी वाई। क्लियर है? अब ये दोनों देखो, ये दोनों आपस में
जब एक दूसरे के क्लोज जाएंगे तो किस तरह का ओवरलैपिंग होगा, ये दूसरे जब आपस में जाएंगे तो किस तरह का होगा, ये दोनों आपस में आकर जस्ट टच करेंगे या ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो कैसे ओवरलैपिंग करें, लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं या साइडवाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसे बोर्ड पे दिखाना टफ है, इसीलिए इसको क्या ऐसे दिखाया जाता है, दिस वन मीन्स जो एक्सिस है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी हो मैक्सिमम है। क्लियर है, मींस ये क्या है, ऑर्बिटल क्या है, और ऑर्बिटल क्या है, जस्ट लाइक अ वेव है। क्लियर है ना, तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना पाई बॉन्ड। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन का जो ऑटो मोलिकुल है, तो ये क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। क्लियर है, अगर इसी के केस में अगर यहाँ पे अगर मैं ओ2 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे N2 ले लूँ, फॉर एग्जांपल ये देखो N2, तो N2 का कितना होता है, 7 होता है, तो 7 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर है, अभी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, तो अगर ये N2 होता, अगर ये मान के चलो इन का एटम है और इन का एटम है, तो हम लोगों ने ऑन द प्लेन क्या लिया, पीजेड लिया, पीजेड का परपेंडिकुलर हम लोगों ने क्या लिया, पीवाई लिया, तो जो पीएक्स होगा वो क्या होगा, इनसाइड द प्लेन एंड आउट द प्लेन। क्लियर है, तो मान के चलो इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से बनता, अब ये दोनों के बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, किसके केस में, पी एक्स के केस में। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट जो दो एन एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो किस तरह से होता है, लाइक दैट। क्लियर है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, वन इज द पाई बॉन्ड एंड अनदर इज द पाई बॉन्ड। क्लियर है, मीन्स दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड में कितने हैं, एक हो गया सिग्मा बॉन्ड एंड टू इज द पाई बॉन्ड। क्लियर है, तो गाइज आई थिंक ये जो पाई बॉन्ड है वो आपको समझ में आए होंगे और जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये पाई बॉन्ड समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और हम लोग उसको एक समरी बना लेते हैं। क्लियर है, तो चलो देख, तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कंपैरिजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, देन विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, तो चलो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं अपना जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से जो रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उसको और इलोबरेट करते हैं। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर वन कि जो ये सिग्मा बॉन्ड है, दिस वन इज द पाई बॉन्ड। क्लियर है, अब यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे होता है, फॉर्मेशन बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग। किसके किसके बीच में, कौन कौन से एटम के ऑर्बिटल होते हैं, एस एस के बीच में हो सकता है, एस और पी के बीच में हो सकता है, पी और पी के बीच में हो सकता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, वो है अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर है, यहाँ पे देखो अब इसमें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है और किसके किसके बीच में होता है, पी और पी के बीच में होता है, पी और डी के बीच में होता है, डी और डी के बीच में होता है। क्लियर है, तो ये जो ऑर्बिटल्स है इनके बीच में जब साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है तो उसे क्या फॉर्मेशन होता है, उसे फॉर्मेशन होता है पाई बॉन्ड का। क्लियर है, अब चलो सेकेंड, अब यहाँ पे देखो सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज द कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रोंगर बॉन्ड होता है और जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है वीक बॉन्ड। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा इसलिए होता है कि डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। क्लियर है, जैसे देखो अगर ये ओवरलैपिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग
ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, इसका जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर इसी को अगर हम लोग साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जो ओवरलैपिंग है वो क्या है, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या है, जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, कम है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वीक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है। अब जो थर्ड पॉइंट है, स्टिक पार्ट इन सिग्मा बॉन्ड, अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड में पीपी भी पार्टिसिपेट करता है, एसपी भी पार्टिसिपेट करता है और एसएस करता है। बट जो अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो पाई बॉन्ड में जो एस ऑर्बिटल है वो कहीं भी कभी भी किसी भी तरह पार्टिसिपेट नहीं करता। तो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर जो पॉइंट है, इट कंसिस्ट वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्यों ऐसा होता है, इसका मतलब करने का मतलब क्या है कि भाई इसमें जो ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है किसके अलोंग इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस है। क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे अगर मैं इसको बातें करूँ तो यहाँ पे देखो अगर ये इस तरह से था और यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हो रहा, आप ऐसे देख लो, अगर ये ओवरलैपिंग हो रहा है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंगल क्लाउड ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस हो रहा है। बट इन द केस ऑफ पीपी ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियर जो है यहाँ पे क्या है, जो एक्सिस है ये है और ये इसके परपेंडिकुलर ऊपर भी बन रहा है और नीचे भी बन रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे दो होते हैं। क्लियर है। कंसिस्ट टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। क्लियर है। वो अब यहाँ पे देखो जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर पॉइंट ए बोल रहा है कि अगर जो पी ऑर्बिटल है अगर वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका जो लॉब होगा, मान के चलो जो और पी ऑर्बिटल है, एक लॉब ए हुआ लॉब एंड सेकेंड लॉब ए हुआ। क्लियर है। पॉजिटिव तो एक निगेटिव मैंने माइनस है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये लॉब है तो इसके बारे में बोला है कि वन लॉब ऑफ पी ऑर्बिटल गेट स्ट्रेच्ड एंड अदर रिड्यूसेस इन साइज। क्लियर है। अब ऐसा देखो कैसे होता है, अब यहीं पे देख लो, अगर हम एस पी मान लें ए है तो यहाँ पे देखो ए, तो ये जो इसके बारे में बोला जा रहा है कि अगर पी ऑर्बिटल अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका जो वन लॉब होगा वो क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और जो दूसरा जो लॉब होगा उसका साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट नंबर फिफ्थ। बट इन केस ऑफ साइडवाइज ओवरलैपिंग, ऐसा कोई साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है, कोई हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई साइज में कोई चेंजिंग नहीं होता है लॉब्स ऑफ पी ऑर्बिटल। क्लियर है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। मींस अगर दो एटम है और दो एटम के बीच में अगर एक सिग्मा बॉन्ड बना है तो उसके अराउंड जो एटम हैं रोटेट कर सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है जब किसके केस में, पाई बॉन्ड के केस में। क्लियर है। कैन बी फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, बट यहाँ पे क्या है, कैंट बी फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सिग्मा बॉन्ड है, अगर दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, तो मीन्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। बट जो पाई बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड उसमें बनेगा। मींस कहने का मतलब है कि अगर दो एटम है, दो एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रहा है तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड वहां पे बनेगा ही। क्लियर है। मींस विदाउट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन वी कांट फॉर्म पाई बॉन्ड, यही है।
क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो 8th पॉइंट है, जो लेटर ऑन हम लोग बहुत इसको डिटेल में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द शेप ऑफ मोलिक्यूल डिसाइडेड बाय नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन पाई बॉन्ड। मीन्स जो मोलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, मोलिक्यूल का जो शेप होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि भाई एक मोलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है? मीन्स डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे। वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि उसमें पाई बॉन्ड अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा बॉन्ड का जो स्टडी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो मोलिक्यूल का जो शेप है उसको डिसाइड करता है। क्लियर है? तो आई थिंक ये जो आपका जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो लेक्चर नंबर 3 था वो आपको समझ में आया होगा। तो गाइस चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो एंड इन नेक्स्ट क्लास विल गो फॉर अनदर चैप्टर। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत एंड नमस्कार।